एंड uh, वहा है एंड uh, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कैपिटल कितना था सब चीजें मतलब मैं डॉक्यूमेंट करते आ रहा हूँ बट यस दिस हैज बीन माई वर्स्ट परफॉर्मिंग मंथ सोफा तो जनरली स्पीकिंग अबाउट द मार्केट जून हैजीन एक्सट्रीमली वोलेटाइल ठीक है जून हैजीन एक्सट्रीमली वोलेटाइल लॉर्ड ऑफ एन शेप डब्ल्यू शेप मूव एंड लॉर्ड ऑफ

अरे तो आपने तो सिर्फ जीरो दा कोई, मतलब रिच बनाने के लिए आपने ट्रेड किए रहेंगे बट व्हेन दिस नंबर गोस टू सिक्स और फाइव लैक्स और सेवन लैक्स दिस वु स्टिली सिक्स के

तो पहले देखेंगे क्या हुआ तो इट ऑलवोज गोइंग वेल अपन वीक ऑफ जून ठीक है ठीक ठाक चल रहा था बट द ओनली प्रॉब्लम वॉज आई है यहां पे 81,000 कुछ तो बना वन परसेंट आफ्टर दैट वी मेड अराउंड एंड आफ्टर दैट वी है लॉस ठीक है दीज टू एक्सपायरीज टुक आउट ऑलमोस्ट एवरीथिंग Okay? and here another 20k loss or something. Apart from that, like look at this. look at these losses: 10,000, 1,000, 5,000, 10,000. So all minuscule losses. Okay. So from third week onwards, the markets just turned haywire The markets just decided to screw everyone. So from here on, it was a slippery slope, right? So from here on, like loss one, loss two, and then again Friday loss. And when I had three back-to-back -back losses, I became like very defensive.

out to go, go out of the market. So they are they are, they are thrown out of the markets. See, the market doesn't have to completely make you go broke to throw you out of the markets. All it needs is one really bad day for you to just lose the confidence in yourself and never return back to the markets. If, if you are thinking that ah, I'm an option seller, okay, like even if I lose like one particular day, on one particular day, even if I lose 10-15%, I'll be alright. Because upload. बनाते हैं आधा परसेंट एक परसेंट आधा परसेंट एक परसेंट बना 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 के महीने को चार पांच माँच परसेंट बना बना के फिफ्टीन ट्वेंटी परसेंट कमाते हो एंड वंस इन अ क्वार्टर इफ एन एक्सपायरी लाइक दिस कम्स योर मोराइल डाउन ठीक है तो एंड दिस हैज बीन द केस फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ ठीक है काफी दिनों से सेम चीज हो रही है एंड द एक्सपायरीज आर गेटिंग टफर एंड टफर लाइक पीपल हु थिंक दैट हाँ मतलब हम लोग भी मतलब एक्सपायरीज को ट्रेड कर सकते हैं न ट्रेड इट बट नथिंग कम्स फ्री ठीक है आप स्ट्रेटी लगा के कोई तो बैक टेस्टिंग सॉफ्टवेयर पे मतलब आप कुछ बैक टेस्ट चला के जस्ट लाइक इट्स अ मैटर ऑफ टाइम टू जस्ट यू नो गे फ्रस्ट्रेटेड एंड गेट आउट द मार्केट बिकॉज टॉक टू दीपल हु डिफरेंट वेरिएटल दे ऑल टेल यू द सेम थिंग की ऑल दोंग बिकॉज नाइन ट्वेंटी स्ट्रेडल का मैं स्टोरी बताता हूँ वर्किंग परफेक्टली फाइन right from 2017 2017 18 19 20 21 pan me, five five I don't think it never had even a single loss making month loss making pin but in 2022 for the last four or five months it has been constantly giving losses why because too many people are doing it like people operators and the big money knows exactly where the stop losses are the game has become so predictable like if you if you are on the other side of the game

लॉस हो रहा रहा है है तो उसके अगेंस्ट उसको क्या मिल गामा का बेनिफिट मिलता है आईवी स्पाइक का बेनिफिट मिलता है डेल्टा मूवमेंट का बेनिफिट मिलता है राइट ऑप्शन सेलर को टीटा डीके का एडवांटेज है बट डेल्टा इज अगेंस्ट हिम गामा इज अगेंस्ट हिम आईवी स्पाइक्स आर अगेंस्ट हिम राइट तो

सारे मतलब जो भी मतलब बेसिक कोडिंग भी आती है ना वो लोग कोड करके लिख के एक मनी मेकिंग मशीन को बना लिए होते बट दैट्स नॉट द केस एंड मार्केट हैज बीन प्रूविंग इट टाइम एंड अगेन फॉर द लास्ट थ्री फोर मंथ कुछ नया वाला कुछ करना है तो करो या झुंड के साथ मतलब जो सब लोग स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं उसको यूज मत करो ठीक है दैट्स वॉट द मार्केट हैज टेलिंग हैजिनिंग डेफिनेटली आई बीन टेकिंग सम फ्रॉम द मार्केट इन द मंथ ऑफ जून तो काफी

और टू पे माई होम रेंट और माई होम का ई एम आई और माई कार का जो भी होने दो और माई लग्जूरीज इवन आई डोंट पे फ्रॉम माई ट्रेडिंग अकाउंट फॉर माई लग्जूरीज ऑल्स ठीक है तो इफ दैट इज द केस यू कैन सर्वाइव ट्रेडिंग ठीक है तब ठीक रहेगी जब आपके माइंड पे कोई प्रेशर ना हो जब आपके माइंड के ऊपर कोई डेडलाइन ना हो अगर आपको कुछ डेडलाइन है मान लो कि इस महीने मई महीना अच्छा गया मान लो कि मई महीने आपने लाख बना लिए तो उसके बेसिस पे आपने कुछ लग्जरीज खरीद लिए जिसका ईएमआई इस महीने का डेढ़ लाख रुपए है month, you मतलब वो जो अर्जेंसी पैदा हो जाती है ना अपने आप आपके अंदर तो कल कुछ भी करके मतलब मुझे इतना निकालना इतना निकालना इतना डेस्पिरेशन विल तो a trader's decimation. Okay. so that's what i wanted to convey you guys. it's not like a profitable trader had to matlab month on month. Matlab, achha achha number se hi aane hai. no, every trader has <coughs> his bad months. yes, there will be days when nothing works in your favor. like your reading of the market goes wrong, your reading of the ivs go wrong, the reading of the skew goes wrong, and even your adjustment backfires and it, all, all things can go against you. So we just swallow it and we move ahead. And yes, that has been my month. And upcoming month. So let me know in the comment section. I'll be happy to read those comments. So I hope you guys have a great weekend and I hope you guys a good trading month ahead. And I'll see you guys in my next video. Bye-bye.